आज सुबह लगभग 2:40 AM को, दैट इज अर्ली मॉर्निंग 2:40 AM को, उसका कोर स्टेज का लिक्विड फ्यूल फिल करना खत्म हो गया है. उसका मतलब है 12 घंटे का पहले ये होना है, वो हो चुका है. देन उसके बाद थर्ड स्टेज कैरोजेनिक स्टेज का फिलिंग स्टार्ट हो गया है. लगभग लॉन्च का 2 घंटे के पहले फ्यूलिंग खत्म होगा. उसके बाद डिफरेंट सेंसर के रूप में वो सिस्टम्स को सबको दोबारा चेक करेगा, उसके बाद ही लॉन्च होगा. आज लॉन्च विंडो सिर्फ 1 मिनट है, सो उसका मतलब है 2:43 के आसपास वो लॉन्च होना चाहिए. बट वेदर रिपोर्ट्स में ये बोल रहा है दैट देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट बिजली गिरने का, थंडरस्टॉर्म होने का प्रॉब्लम है. उस समय में बिजली गिरा तो देन इस मिशन को उस समय लॉन्च करने में थोड़ा दिक्कत होने का पॉसिबिलिटी है. बट ये सिर्फ प्रॉबिलिटी है दैट थंडरस्टॉर्म हो रहा है उस जगह में, थंडरस्टॉर्म हो रहा है. बट सिर्फ बारिश हो रहा है, सिर्फ बादल है, देन कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. सिर्फ बिजली गिरा तो ही प्रॉब्लम होगा, बहुत बिजली गिरा तो ही, उस समय गिरा तो ही प्रॉब्लम होगा. नहीं तो हम एक्सपेक्ट कर सकता है दैट 2:43 को आज ये लॉन्च होगा. तो कितना इम्पोर्टेंस रखता है चंद्रयान-2 का? ये मिशन सिर्फ इंडिया का इम्पोर्टेंस नहीं है, इवन दुनिया के नजर में भी बहुत इम्पोर्टेंट है. इंडिया के नजर में एक इम्पोर्टेंट है बिकॉज हम फोर्थ कंट्री होगा चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करना, एंड हमारा टेक्नोलॉजी को डेमोन्स्ट्रेट करना, हमारा टेक्नोलॉजी कितना शक्तिशाली हमको क्लियर होने के लिए भी एक इम्पोर्टेंस है. एक छोटा चीज में इसमें बोलेंगे, फॉर एग्जांपल आप रोवर उधर भेज रहा है, वो रोवर में एक सोलर पैनल है, वो सोलर पैनल सभी टाइम सन के ऊपर डायरेक्शन में, दिशा में होना चाहिए, नहीं तो वो रोवर को पावर नहीं मिलेगा. बट आप धरती से उसको कंट्रोल नहीं कर सकता है, सो वो रोवर अपनी आप समझना है मैं सन की तरफ है नहीं है. सो इस तरह से बिल्ड करना है तो एक तरीके से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है. इस तरह से बहुत चीज हम करके उधर भेज रहा हूँ, सो हमको पता चलेगा कितना दूर हम इसमें आगे बढ़ा है. सो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इंडिया के रूप में. इंटरनेशनल के रूप में आप देखा तो किस प्रदेश में हम लैंड कर रहा है, दैट इज 70 डिग्रीज में, दैट इज ध्रुव इलाका हम बोल सकते हैं, ध्रुव नहीं है, ध्रुव इलाका में हम लैंड कर रहा हूँ. उस जहाँ फ्यूचर में फॉर एग्जांपल मून में कोई स्पेस पोर्ट बनना चाहिए, तो फॉर एग्जांपल मार्स को जाने के लिए, नहीं तो इंटरप्लेस में, इंटरप्लैनेटरी स्पेस में जाने के लिए स्पेस पोर्ट मून में बनाना, तो लगभग वही जगह में बनेगा, दैट उस इलाके में ही बनेगा. सो इसलिए इवन इंटरनेशनल स्पेस पीपल आर ऑल्सो वॉचिंग दिस वेरी केयरफुली.